नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आइए, आज मैं भंडारे जैसी सब्जी, जो कि हमारी तरफ तो इसको पेठा बोलते हैं, कई कद्दू भी बोलते हैं, येलो कद्दू बोलते हैं, तो आज मैं उसकी सब्जी बना के आपको, खट्टी मीठी सब्जी बना के दिखाऊंगी, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। कई बार आप भंडारे पे खाते हैं उसको पूरी के साथ, चपाती के साथ, तो आज मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी। तो आइए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। उसके लिए मैंने ये 500 ग्राम्स के करीब पेठा, जिसको येलो कद्दू भी बोलते हैं, पंपकिन भी बोलते हैं जिसको, वो लिया मैंने। उसको बारीक काट लिया, अच्छी तरह धो लिया मैंने इसको। और एक दो मीडियम साइज के प्याज लिए मैंने, दो टमाटर लिए हैं। आप प्याज टमाटर प्याज के बिना भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ। तो और सिंपल बेसिक मसाले हैं इसमें डालने के लिए, ये देखिए, ये नमक है, ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर है खट्टा मीठा बनाने के लिए इसको, ये दो मैंने हरी मिर्च काट के लिए, ये धनिया पाउडर है, और ये मैंने गुड़ को क्रश करके लिया हुआ है मीठा बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये ज़्यादा इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है और टेस्टी भी बनता है। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, और ये जीरा है, थोड़ा सा इसमें हम सौंफ भी डालेंगे क्रश किया हुआ। तो आइए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी को हम अच्छा गर्म हो जाने देंगे, और इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच के करीब सौंफ डालेंगे, और 1 चम्मच के करीब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा अच्छा क्रैकल हो जाए, प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि हमारा अच्छा ब्राउन हो जाए प्याज। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। बिल्कुल सिंपल इसी वे में मैं आपको बता रही हूँ, मेरी रेसिपी आप देखते ही होंगे कि बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता, और जल्दी से बन जाती हैं, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि मैं आपको इजी से इजी वे में खाना बनाना सिखाऊं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्याज हमारे हो चुके हैं, और इसमें मैं अब टमाटर डालूंगी, और इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हम ये बारीक चौकी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। गैस किलो को हम मीडियम कर देंगे, तो 2 मिनट कुकर को ऐसे ही ढक देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे सॉफ्ट हो जाए। और इस टाइम पे हम अपने बाकी के सारे मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और इसमें 1 चम्मच के करीब हम अमचूर पाउडर डालेंगे, और हम इसमें 2 चम्मच के करीब गुड़ डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब, ताकि जो मसाले हैं हमारे जले नहीं। ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे भुन चुके हैं, और इस टाइम पे हम इसमें पेठा डाल देंगे, पेठा जिसको कांशी फल भी बोलते हैं। और इस टाइम हम इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, और गैस को मीडियम लो पे करेंगे, और इसका लिड लगा देंगे, और इसको हम 2 व्हिसल आने तक पकाएंगे। तो देखिए, मैंने 2 स्टीम दिलवा दी थी काशी फल की सब्जी को, और इसमें से मैंने अब
स्टीम निकल चुकी है। अब इसको खोल कर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर सब्जी की शक्ल बनी। ये देखिए, ये देखिए। और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ साथ हम इस जो पेठा है उसको मैश भी करते जाएंगे। तो आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर मैं पूरी सब्जी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारा ये पेठा भी अच्छी तरह मैश हो जाए और ये पानी भी जो है थोड़ा सा हमने हालांकि 1-2 चम्मच ही डाला था क्योंकि ये सब्जियां पानी छोड़ती हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी है। इसको हम पानी को भी सुखाएंगे और साथ साथ ही हम सब्जी को भी मैश करते जाएंगे। आप करछी से इसको मिलाते जाइए। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छा फ्राई होने तक भूनेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छा घी छोड़ जाए। ये देखिए, इस टाइम हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे जो कि मैंने काट के रखा हुआ है। ये देखिए, और देखिए थोड़ा सा सब्जी में रिच लुक देने के लिए हम इसमें दूध के ऊपर जो मलाई आती है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी। मैं 2 चम्मच के क्रीम इसमें मलाई डाल दूंगी तो इससे खाने इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, और इसमें देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए, और इसको हम 1 मिनट तक और पकाएंगे। अब 1 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्जी लगभग तैयार है और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारी खट्टी मीठी भंडारे वाली सब्जी जो कि पूड़ियों के साथ रोटी के साथ बहुत शौक से खाई जाती है, आपको हर भंडारे में ये सब्जी मिलेगी, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। Take care. Thank you.